मनीषा जी सच बताइए, कौन किस पर अभी भारी नजर आ रहा है? महायुति आप कहेंगी, लेकिन महाअघाड़ी में जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके लिए परेशानी का सबब है कि ये तो सोने पर सुहागा? देखिए, महाविकास आघाड़ी जो है उसमें पूरी बिगाड़ी है, और ये एक दूसरे की सलाह न लेते हुए ये लोग सीट्स डिक्लेयर कर चुके हैं। काफी सारे जगह लोकसभा भी इसी प्रकार का हुआ था कि इन्होंने अपनी अपनी सीट डिक्लेयर कर दी। हाँ। और इनके हर एक मीटिंग में दिखाने चाहते, नाना पटोले कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाइए। वहाँ उद्धव ठाकरे जी वो कह कहकर थक गए, बाद में चुप हो गए। तो इनके पास ये इनका झगड़ा जो है कि हमको ये सीएम पद का घोषित कीजिए, मगर महायुति में हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है, सब शांततापूर्वक हो रहा है। और बिल्कुल आप देखेंगे कि हम भारी होंगे महाविकास आघाड़ी पर, हमें एक दूसरे में स्पर्धा नहीं करनी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी आएंगी और गवर्नमेंट हम बनाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मतलब जो बात मनीषा जी आप कह रही हैं, आपके ही पुराने, मतलब अब तो परिवार में फूट पड़ गई है। संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं। संजय जी, आप लोगों में सच में सीएम को लेकर लड़ाई चल रही है? मैं सीएम, ये सीएम, वो सीएम, ये सीएम, कौन सीएम? हम बाला साहब की पार्टी से हैं और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है, और हमें जो सही लगता है हम वो कहते हैं और करते हैं, वो चाहे बीजेपी के खिलाफ हो या कांग्रेस के खिलाफ हो या हमारे गठबंधन के साथियों के खिलाफ। जिस तरह से हमारे गठबंधन के साथी आज, जैसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, जिस तरह से बात कर रही है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन होगा, तो इसके लिए मैं इन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे लिए उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होगा अखिलेश जी का चेहरा, हमने कभी ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा उस पर हमें क्यों इतराज़ है। हाँ। हमने कभी ये नहीं कहा कांग्रेस को कि अगर केंद्र में सरकार होगी तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, हमारा होगा या हमारा कोई होगा। और हमने पहले भी कभी भी केंद्र के अंदर जब बीजेपी की सरकार रही, हमने कभी कोई मंत्रालय नहीं मांगा, कभी कुछ उसमें इंटरफेरेंस नहीं कहा। तो मैं अपने सबसे पहले तो अपने साथियों को, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, जो आज संजय राउत जी पर उंगली उठा रहे हैं, तहसीन पुनाला स्क्रीन पर, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि वो सोच समझ के बोले कि उनके लिए उत्तर प्रदेश ज़्यादा अहम है या केंद्र में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना ज़्यादा अहम है या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए ज़्यादा अहम है। बात क्लियर कर दी ना आपने संजय जी, यही तो खेल है ना। मैं कह रही हूँ कि आपके वर्चस्व की लड़ाई है, महाराष्ट्र में सरकार बने नहीं बने इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो दूसरे नंबर पर आ रहा है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री रख ले कौन, राहुल गांधी, है ना, यूपी का सीएम रख ले कौन, अखिलेश यादव, महाराष्ट्र तो हमको चाहिए, है ना। क्लियर हो गया, बंटवारा हो गया। तो बीजेपी के साथ अगर हम गठबंधन से अलग हुए, हाँ, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही बात तो थी कि बाला साहब का ये सपना था कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, सरकार तो हमारी बनी रही थी। तहसीन पुनावाला, सुन रहे हैं आप, यहाँ तीन चेहरे इंडिया गठबंधन के और तीनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। पहले ने कहा समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज भाई ने कि देखिए गठबंधन का धर्म ये लोग निभा नहीं पा रहे हैं। दूसरे आए आप, आपने कहा संजय राउत तमीज से पेश नहीं आ रहे हैं। तीसरे आए संजय राउत की पार्टी के संजय गुप्ता, जो कह रहे हैं कि सुनिए हम आप में इंटरफेयर नहीं करते, आप यहाँ ना कड़ाइए। तीनों आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं ऐसा करूं, शिवसेना की मनीषा और जफर साहब को टाटा बाय बाय कर लेती हूं, आप ही खुद लड़ लीजिए। रुबिका जी, मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, जो पार्टी एनडीए ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उतरी थी उसका मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आज मनीषा जी आपके शोक करें, वो शिवसेना इतना शिंदे जी के रूप में क्यों छोड़ी उन्होंने, आप उनसे पूछना। ये शिवसेना टूटने के बहुत बड़ा कारण है संजय राउत, ये सरकार गिरने के बहुत बड़े कारण। मैं जेन्युइनली मैं चाहता हूँ कि भाजपा हारे, मैं चाहता हूँ एकनाथ शिंदे जी दोबारा से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर आप बार बार इस तरह के स्टेटमेंट दोगे महाराष्ट्र की जनता को पसंद आएगा। तीसरी चीज आपको कह दें, आज शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के वोटर्स कौन है, दीपिका जी आप भी जानते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के वोटर्स कांग्रेस के कोर वोटर्स है, दलित वोटर, मुसलमान वोटर, जो मराठी मानो थे वो एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया, जो हिंदुत्व का वोट है वो बीजेपी के साथ है, इनके पास पार्टी सिंबल, इनके वोटर सारे, तो अब कांग्रेस क्या है,
ये अगर अब भी चाहेगी कि डोमिनेट करे तो ऐसा तो नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं अगर अगर जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होते हैं तीनों दल में वो चुनेगी मुख्यमंत्री पर रिजर्व हो, ये पहली बात। तहसीन कुनाल, नहीं पहली बात पर डिबेट कर लेती हूँ और उसके बाद उसके बाद मैं दोबारा आती हूँ आपको। संजय जी सुन लिया ना आपने, संजय राउत की वजह से मनीषा जी चली गई, संजय राउत जैसे नेताओं की वजह से, ये मैं नहीं कह रही हूँ है ना, ये खुद अभी आप ही के साथ ही कह रहे हैं। तहसीन पूनावाला जवाब दे दीजिए 20 सेकंड में, फिर दीपक चौरसिया। तहसीन पूनावाला जी को तो मैं यही कहूँगा, जिस तरह से इन्होंने जो कहा कि इन्हें पता नहीं क्या हो गया, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ लेते क्यों नहीं, तो जो इन्होंने कहा वो हमारी समझ से बाहर है। जिस तरह के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया संजय राउत जी के लिए, तो मुझे लगता है कि ये शब्द इस तरह से कहने की बजाय ये शब्द किसी और तरीके से आने चाहिए थे। ये शब्द ठीक नहीं जो संजय भाई पुणे वाला जी ने इस्तेमाल किए। कांग्रेस का माउथपीस, इनफॉर्मल माउथपीस, मैं बता दूं क्या इनका मतलब है। आपको बोलने दीजिए क्या कह रहे हैं ये बीजेपी के हमारे साथी, क्या सुना दिया मुझे। क्या हम तहसीन पूनावाला को फोन पर ले सकते हैं? उनका नेटवर्क जो है वो नहीं ठीक है, हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें कह रहे हैं। जफर इस्लाम जी कुछ कह रहे थे। संजय भाई मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था भाई, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आस्तीन में सांप रखिएगा तो क्या दिखेगा आपको, डसेगा ही ना। देखिए तो एक बात सुनिए सर, आप समझिए इसको, एक बात सुनिए जफर इस्लाम जी, आप, हमने आप, जितनी वफादारी की थी ना आपके साथ, इतनी तो वफादारी हिंदुस्तान तो क्या दुनिया में किसी ने किसी के साथ नहीं, आपके मगर आपने जिस तरह से जो किया, अरे भाई तो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। नहीं एक सेकंड आप सुन लीजिए जफर साहब, मैं एक सेकंड आ रही हूँ, मनीषा जी यहाँ पर मौजूद है। नहीं दिस इज इम्पोर्टेंट, मनीष आप लोगों को छोड़ के गए तो चलो दिलरुबा थी नहीं बन सकी, पर ये तो एक ही माँ की औलाद ना दोनों, अब अलग हुई तो क्यों हुई? मनीषा जी कौन बड़ा धोखेबाज है, बीजेपी के संजय जी की यूबीटी? देखिए जनता के साथ किसने धोखा किया ये सबसे बड़ी बात है। 2019 में इकट्ठे मैंडेट दिया, लोगों ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, एक तरफ मोदी जी का चेहरा, उसके बगल में माननीय जो अपने बाला साहब ठाकरे जी है उनका चेहरा, और लोगों को दोनों ने साथ में वोट किया। अब जो मुख्यमंत्री का तोड़ा किसने? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो बाला साहब का सपना था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हमारा रहेगा, वो सही क्या बीजेपी ने, आप मुझे बता दो। हाँ मनीषा जी को एक बार बोल लेने दीजिए। रूबीना जी ये मेरा समय खा रहे हैं, अरे संजय जी संजय जी जब आप बोलते तो मैं पार्टी ले गई, हम समय भी ना ले, एक मिनट भी आपको भारी अपना, अरे देखिए जबरदस्ती उत्तराधिकारी, अभी इलेक्शन कमीशन का ये वर्डिक था, सारे कोर्ट का ये वर्डिक था, आपको इस देश का कोर्ट मान्य नहीं, आपको इस देश का इलेक्शन कमीशन पे आप विश्वास नहीं रखते हो, आप इस देश में किसी भी स्वायत्त संस्था पर आप विश्वास नहीं रखते हो, आपको किस पर विश्वास है? संजय राउत पर विश्वास है आपको? किस पर विश्वास है? शरद पवार जी पर विश्वास है, जिन्होंने ये लिखा उनकी किताब में के मंत्रालय में जो ढाई दिन भी नहीं गए उन पर विश्वास है? आप किस पर विश्वास? आपको महाराष्ट्र की जनता पर विश्वास नहीं है तो जनता आप पर क्यों विश्वास दिखाए? जनता आप पर विश्वास क्यों दिखाए? और अब इलेक्शन में विधानसभा के इलेक्शन में भी दिखाए? अरे वो फेक नैरेटिव है, वोटिंग हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, माननीय शिंदे जी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मेरे को आप जवाब नहीं, सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे, बात कर रही हूँ आपसे, मैं तो रूबीना जी से बात कर रही हूँ, मैं महाराष्ट्र की जनता से बात कर रही हूँ। 2019 में जो मुख्यमंत्री का पद